विविध भारती। आप हैं विविध भारती के संग, इनसे मिलिए। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे लेखक और अभिनेता उत्कर्ष मजुमदार से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। हम जानना चाहते हैं आपसे कि आपने गुजराती नाटक तो किया ही, हिंदी नाटक किया, मराठी नाटक भी होते हैं, तो आपको इन तीनों नाटकों का परिदृश्य किस तरह से अलग लगता है? मैंने मराठी नाटकों में काम नहीं किया है, जी हाँ देखे हैं, और अंग्रेजी नाटकों में काम करता हूँ मैं। तो नाटक क्या तो अच्छा होता है या बुरा होता है, जी जी, ये एक्सपेरिमेंटल नाटक, ये कमर्शियल नाटक ऐसी जो परिभाषा हम बनाते हैं वो गलत है जी। क्योंकि कमर्शियल नाटक भी अच्छे हो सकते हैं और एक्सपेरिमेंटल प्ले भी बुरे हो सकते हैं जी जी। तो सब अपने अपने संस्कार परंपरा के उसके हिसाब से नाटकों में काम करते हैं। मुझे जो सिनेमा में काम करना और नाटकों में काम करना और सीरियल में काम करना, तो उसमें मुझे जो फर्क नजर आता है उसकी बात मैं करूं अगर आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, वही हम जानना चाहते हैं कि क्या फर्क तो आपको लगता है। मुझे एक अभिनेता के तौर पर नाटकों में काम करना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं हूं और कोई मुझसे कुछ छीन नहीं सकता है। डायरेक्टर ने चाहे मुझे पीछे रखा हो, छोटा रोल भी दिया हो, पर मैं अपनी शक्ति बताकर, अपनी अभिनय क्षमता दिखाकर मैं दर्शकों का मन जीत सकता हूं। जी। पर फिल्मों में क्या होता है, फिल्मों में चाहे आप कितना भी अच्छा रोल मिले, आप खुश हो जाते हो कि मुझे अच्छा रोल मिला है, पर शूटिंग के दौरान क्या होता है कि आपको, आपका क्लोजअप नहीं लिया गया, आपको लॉन्ग शॉट में रखा, आपको मिड शॉट में रखा, ग्रुप शॉट में रखा, तो क्या होगा? तो पहचान नहीं बन पाएगी, तो कुछ वो असर जो है जी हाँ, वो उभर कर नहीं आएगी। और फिर जैसे होता है कि समझो आपके क्लोजअप भी लिए गए और आपको लगा हाँ मेरा अच्छा रोल था, क्लोजअप भी हैं, ये है, तो आप खुश हो जाते हो। पर बाद में होता है एडिटिंग, तो एडिटिंग में समझो मुमकिन है कि आपका रोल पूरा कट जाता है या आपके अच्छे अच्छे सीन भी उड़ जाते हैं जी, या फिर जैसे होता है कि बोल आप रहे हैं, चेहरा किसी और का है, तो वो क्या करेंगे? तो आप कितना भी शोर मचाए कि मैंने तहलका मचा दिया, मैंने चिट्टी पिट्टी गुम कर दी फला एक्टर की, ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि चिट्टी पिट्टी आपकी गुम हो जाती है जब आप देखते हो कि आप तो पर्दे पर है ही नहीं, या है तो सिर्फ आपकी आवाज आती है, चेहरा तो हीरो हीरोइन का है या हीरो का है या और सही बात है कैरेक्टर का है जी जी, है ना जी। अगर मैं हीरो का किरदार निभा रहा हूँ तो ही मेरा शॉट अच्छी तरह से आएगा या मेरा चेहरा दिखाई देगा लोगों को जी। तो ये सारी बातें भी है। और दूसरा ये है कि फिल्म फिर अगर डिब्बे में ही रही तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो रिलीज भी होनी चाहिए, फिर रिलीज होने के बाद वो चलनी भी चाहिए। चलेंगी तो लोग देखेंगे ना, जो काम देने वाले रहते हैं वो भी देखेंगे, तो ये सारी चीजें हैं। पर थिएटर में वैसा नहीं है, थिएटर में कि आपको कहीं भी रखता है डायरेक्टर, वो कट नहीं कर सकता है, आप एकदम पीछे हैं और आपका कैरेक्टर एकदम बढ़िया ढंग से आप कर रहे हो तो लोगों की नजर में आ जाएगा, वो कहेंगे नहीं हमें फला फला जो एक्टर है वो ज्यादा अच्छा लगा, बोले वो तो बहुत माइनर कैरेक्टर है जी, नहीं जी। हमें वो बहुत अच्छा लगा जी। हाँ तो आपके इसमें अभिनय का पक्ष तो है ही, एक जाने माने एक्टर हैं, दूरदर्शन में काम किया, निर्देशन भी किया और कॉलम भी लिखते रहे हैं आप, नियमित रूप से कॉलम लिखने का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? वो भी अच्छा रहा। इसमें भी मैंने कैसे लिखना शुरू किया उसकी भी एक दिलचस्प कहानी है जी। मुझे लगा कि मेरी गुजराती अच्छी है, गुजराती में मैं लिखता हूँ, क्योंकि मैंने संस्कृत में कोविद किया हुआ है। अच्छा, मेरी भाषा अच्छी है, वो तो आसान, मेरे दाएं हाथ का खेल है जैसे कहते हैं ना, मैं कभी भी लिख सकता हूँ। तो मेरी कजिन है सोनल शुक्ला, वो काफी जानी मानी एक्टिविस्ट रही है, और उनका उत्कर्ष चल हम साथ मिलकर एक कल्चरल कॉलम शुरू कर दें। तो मैंने कहा हाँ हाँ लिखेंगे, बोला कहते क्या पर लिखता नहीं था। फिर एक दिन उन्होंने फोन करके बताया कि उत्कर्ष अपनी कॉलम शुरू हो गई है जी, और पेपर में आ गई है जी। फिर मैंने देखा और ऊपर मेरा नाम था उत्कर्ष मजुमदार, अच्छा। उनका था, मैंने बोला ये क्या कर दिया आपने, आपका नाम पहले होना चाहिए था। बोला नहीं नहीं तुम्हारा नाम पहले है, पर मैंने लिखा तो है ही नहीं कुछ, मेरा नाम आप कैसे दे सकती हो, मैंने जब लिखा ही नहीं है। तो बोला तो लिखना शुरू कर दे, आपके लिए ये प्रेरणा थी ये बात? तो ये प्रेरणा थी, बोला कि तू नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, पर अभी यही नाम से अपनी कॉलम चलेगी ना, तो मैं तुझे ये फोर्स नहीं कर रही हूँ कि तू लिख, नहीं लिखना है तो मत लिख तू। तो मैं बड़ी द्विधा में आ गया, मैंने सोचा ये तो एकदम गलत है कि बिना लिखे मेरा नाम आए, वो तो मुझे पसंद नहीं है जी जी, इसलिए मैंने बोला चलो लिखता हूँ मैं, और लिखना शुरू किया।
तो मुझे सूझे ही नहीं कि पहली पंक्ति क्या लिखूं मैं। अगर आप मुझे कहते हो कि आप एक घंटे का लेक्चर दे सकते हो तो मैं तुरंत कह दूंगा हाँ चलो कब कहना है। लेकिन लिखने के लिए तो लिखने की बात आई जी। तो मेरा सारा अहम जो है हाँ वो चकनाचूर हो गया। मुझे 4 दिन लगे एक वाक्य लिखने में। मैं 4-4, 5-5 घंटा बिताता था और 4 दिन में वो खत्म हुआ। तो अक्षर जैसे कहते हैं ना सचमुच मुझे आंखों में पानी आ गया जी। कि भाई तू बात कह रहा था कि तेरी भाषा इतनी अच्छी है तो कहाँ तेरी चली गई भाषा। तू तो यूं लिख सकता है तो क्या हो गया। तो ये जो गुरु राम रखते हैं ना कि मैं तो ये कर सकता हूँ बड़ी आसानी से ये भी कर सकता हूँ वो तो कितना गलत है। जो क्योंकि जब तक आप करते नहीं हो उसका कोई मतलब नहीं है। जीवन में करना महत्वपूर्ण बात है वरना बातें तो हम काफी कुछ कर सकते हैं ना कि ये राज्य या देश कैसे चलाना चाहिए इनको ये फला ये फिल्में कैसी बनानी चाहिए ये फला कैसा करना चाहिए जी, जी। क्रिकेट कैसे खेलते हैं इन्हों अरे ये क्या शॉट मारता है अरे दौड़ता कैसे क्रिकेटर टेस्ट मैच में आ गए कुछ आता भी नहीं है। हम ऐसे ही कमेंट करते रहते हैं कि नहीं। कॉलम आप लिख रहे हैं काफी चर्चित हो रहा है और गुजराती में और मैंने फिर पसंद करें 2-3 न्यूज़पेपर्स में मैं लिखता रहा। तो अभी मेरी एक कॉलम चल रही है जन्मभूमि प्रवासी में हर इतवार को आती है। फिर एक वेबसाइट है वहाँ पर भी मैं लिखता हूँ और मैंने एक कॉलम शुरू की थी 2013 में जिसका नाम रखा मैंने भेलपुरी। और उसमें ये हुआ कि 2013 में हमने 100 साल मनाए अच्छा इंडियन फिल्म्स के। 1913 में सबसे पहली फिल्म बनी हिंदुस्तान की फीचर फिल्म जी 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 राजा हरिश्चंद्र डायरेक्ट की हुई थी। तो मैंने उसके ऊपर लिखा क्योंकि 2013 का साल था और मेरी एक कॉलम शुरू हुई थी। फिर उससे मुझे पता चला कि दैट वाज फाइनेंस बाय गुजराती मया शंकर भट्ट। ये कॉलम के बारे में सर आप समृद्ध है आपका अनुभव। हम एक बात जानना चाहते हैं कि सोलो प्ले का काफी चलन बढ़ गया है और आपने भी कुछ सोलो प्ले किए हैं उसका कोई अनुभव आप साझा करना चाहते हैं हमारे श्रोताओं से। मैंने 2 छोटे-छोटे सोलो प्रयोग किए थे। एक में था सीसी मेहता करके जो जाने माने थिएटर पर्सनालिटी थे अपने आकाशवाणी के सबसे पहले जो प्रोड्यूसर्स बने थे उनमें से एक थे सीसी मेहता। बम्बई से उन्होंने अपनी कारकिर्दी रेडियो से शुरू की थी। तो उन्होंने एक लुई ब्रेल के ऊपर नाटक लिखा जी जी मतलब सोलिलोक्वी लिखी थी। तो वो उसका मंचन मैंने पृथ्वी थिएटर के दौरान किया था उनके एक फेस्टिवल में किया था। तो उसमें मजेदार बात यह हुई कि लुई ब्रेल जो है वो अपनी बात शुरू करता है और फिर एक जगह पर आता है कि उसने अपनी आंखें जो है वो कैसे गवाई जी। एक हादसा हुआ और उसमें उसकी दोनों आंखें चली गई और फिर वो कंटिन्यू होती है बात। तो हमारे जो डायरेक्टर थे फूलमणि के मनोज शाह उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त जोखिम उठाया। मैंने जैसे कहा ना कि और मेरी आंखें चली गई हाँ मैं अंध हो गया उन्होंने सारी लाइट जो है बंद कर दी। थिएटर में पूरा अंधेरा आई लाइट भी जैसे होता है वो परमिशन लेके पूरा ये चंद मिनटों का सवाल है वो भी बंद कर दी थी और मेरा चालू है हाँ। तो लोग जो है काफी हड़बड़ा गए थे मतलब उसमें से काफी बुजुर्ग जो थे 2-3 लोग उन्होंने मुझे फिर कहा उत्कर्ष ऐसा मत करना हाँ मुझे हार्ट अटैक आ जाता है। ऐसे तो क्या हुआ बोला कि जैसे अंधेरा हुआ तुम्हारी आवाज तो आ रही है तो जैसे आमतौर पर होता है कि लाइट चली गई नाटक रुक जाता है अनाउंसमेंट होता है कि माफ कीजिएगा ये इलेक्ट्रिसिटी चली गई है तो हम अपना खेल आगे नहीं बढ़ा पाएंगे पर यहाँ तो तुम्हारी आवाज आ रही थी तुम बोल रहे थे धड़ाधड़ अपने डायलॉग्स। फिर मुझे लगा मेरी आंखें चली गई क्या सडनली मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। फिर मैंने धीरे से पूछा अपने बाजू में जो बैठा था मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है आपको दिखाई दे रहा है। तो उसने कहा नहीं मुझे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और फिर उनको लगा कि नहीं तो ये कुछ नाटक का ही हिस्सा होगा जी। और जब वो कहता है कि इस तरह से कुछ हादसा होता है उस वक्त आखिर के जो 10 डायलॉग थे उस वक्त लाइट फिर से आती है और वो बहुत सराह गया मेरा ये नाटक। तो ये तो अभिनय का शिखर था। अंधेरा हो जाता है जैसे नाटकों में क्या होता है आप डायलॉग्स कैसे याद रखते हो लंबी लंबी लाइन्स हैं स्पीचेस है आप याद कर लेते हो उसके बाद जाते हो अच्छा मुझे यहाँ से उठकर यहाँ जाना है यहाँ से उठकर यहाँ जाना है तो आप उसी हिसाब से बोलो यहाँ आया तो मुझे ये डायलॉग्स बोलना है जी यहाँ आया तो ये डायलॉग्स बोलना है। तो ऐसा कोई अवकाश ही नहीं था ना मैं अंधेरे में तीर मार रहा था।
तो वो बहुत कठिन था और चैलेंजिंग था। ये तो अभिनय का शिखर है सर, अभिनय की ऊंचाई है कि आप खुद भूल गए कि आंखें हैं कि नहीं है। तो ये तो कमाल का रहा होगा अनुभव आपका। दूसरा एक ऐसे सोलो किया था, इंग्लिश में किया था, गोइंग सोलो के तौर पर, वो विक्रम कापड़िया का लिखा हुआ था और उसका भी निर्देशन था जी। तो उसमें एक बात है कि एक बंदा आता है और कुर्सी पर बैठता है और फिर अपनी कहानी शुरू करता है। तो उसने कहा कि उत्कर्ष यू वॉन्ट गेट अप जी, यू वॉन्ट इवन रेज योर हैंड, एक जगह सामने देख रहे हो तो वहीं पूरी अपनी जो कहानी है वो बता देनी है। हाँ, सर को भी यहाँ वहाँ हिलाना डुलाना नहीं है, खड़ा भी नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है। तो मैं शुरू में तो बोलता रहा, फिर रिहर्सल के दौरान मुझे लगा नहीं भाई मैं जरा उठूं, ये क्योंकि एक्टर को होता है ना, मैं जरा चलता हूँ, मुझे बहुत स्टैटिक हो गया है, मुझे मूवमेंट दे ना, मूवमेंट दे ना। तो ये बात मैंने दुबे जी कहते थे, सत्यदेव दुबे जी जी, कि मूवमेंट नाटक में आपने हाथ ऊपर किया तो भी मूवमेंट हो जाती है, अपने सर दाईं ओर किया बाईं ओर किया तो भी मूवमेंट हो जाती है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको चलना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। हाँ, अगर आप सक्षम कलाकार हैं तो करके दिखाए। तो विक्रम ऑल्सो सेड द सेम थिंग, उत्कर्ष इफ यू फील लाइक गेटिंग अप गेट अप, बट अ गुड एक्टर वुड नेवर गेट अप। कंसिडर योर सेल्फ, आप तुम कौन सी कक्षा में आते हो। If you consider yourself as a great actor or excellent actor or good actor, then you won't get up. But if you think that you are an ordinary actor, I don't have any objection. You may get up. तो स्वीकार कैसे होगा ना? मैंने कहा नहीं, ये जो है मैं स्वीकार कर लेता हूँ कि मैं खड़ा नहीं रहूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, और पूरा बोलते गया मैं। और जैसे होता है कि इसमें आपके साथ कोई है भी नहीं कि आपको क्यू दें, आप डायलॉग भूल गए तो भूल गए और उसी वक्त आप खत्म हो जाते हो जी। पर वो भी मैंने एकदम बड़े अच्छे ढंग से किया तो वो भी लोगों को काफी पसंद आया जी। और इस तरह के जैसे रोल करता था, और जैसे मैंने नरसिंह मेहता के ऊपर गुजराती में एक म्यूजिकल किया जो मैंने खुद डायरेक्ट किया और मुख्य भूमिका निभाई, वो भी म्यूजिकल था, उसमें नरसिंह मेहता के काफी सारे गाने थे जी। और सीतांशु यशस चंद्र करके अपने गुजराती के हिंदुस्तान के बड़े जाने माने कवि हैं, गुजराती साहित्य परिषद के प्रमुख भी रह चुके हैं, उन्हें सरस्वती सम्मान भी मिला है, उनसे मैंने ये नाटक लिखवाया जी। तो उन्होंने नाटक लिखा, फर्स्ट ड्राफ्ट पसंद नहीं आया तो सेकंड ड्राफ्ट लिखा और मुझे भेजा। मुझे मजा तो बहुत आया पर मैं चिंतित हो गया, डर सा गया क्योंकि वो पूरा पद्य में था, झूलना छंद में था, जिसमें नरसिंह मेहता अपनी कविताएं लिखते थे। तो पूरा नाटक जो था झूलना छंद में था, 2 घंटे का नाटक है और वन मैन शो जैसा ही था। वो दूसरे साथी कलाकार थे, वो मुझे गानों में मदद करते थे और बीच में कोई डायलॉग बोल गए, वरना मेरे कंधे के ऊपर ही पूरा भार था। मैंने बोला ये पूरा जो है कविता याद रखने की 2 घंटे की, इतने सारे गाने, और कई बार होता है कि हम लोग जो हैं डायलॉग भूल गए तो अपना डायलॉग कर देते हैं जी और आगे चलते हैं, तो इसमें ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं थी जी। बिल्कुल उत्कर्ष जी, अनुभव का भंडार है आपके पास और एक विराट संसार है अभिनय की दुनिया की। बहुत ही दिलचस्प बातें हमारे श्रोताओं से आपने साझा की और हमें सचमुच बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर। नमस्कार ममता सिंह, और श्रोता जनों का भी नमस्कार, आपके सुनने वाले जो है विविध भारती के उनको भी मेरा नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे लेखक और अभिनेता उत्कर्ष मजूमदार से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी थी सुषमा सुरड़कर और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।